गौ माता सबसे ज्यादा पूजनीय है। अगर उसकी भक्ति करनी है, उसकी रक्षा करनी है, तो सबसे पहले हमको गौ हत्या को रोकना होगा। और इस हत्या को रोकने के लिए सबसे पहले हमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना होगा। और इसके लिए हमें आपको सबको घर से बाहर के लड़ना होगा। अगर इस बीच में कोई आपत आ जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप गांव वाले मुझे कभी भी किसी भी समय बोला सकते हो। मैं संजय दादा पाटिल आज इस मंच से आप सबको बताना चाहता हूं, इस धर्म युद्ध में मैं आप सबके साथ खड़ा हूं और रहूंगा। तो बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। जय हिंद, जय भारत। प्यारी बहनों, आज हमें ये समझना होगा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म और जाति के नाम पर कुछ लोग हमें बांटना चाहते हैं, गौ रक्षा के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। क्या होता है, बराबर संगते कि नहीं? हमारा देश धर्म निरपेक्ष है और हमें उस पर नाज है। गौ रक्षा के नाम पर किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। हमें ऐसे हिंसा से दूर रहना है। कोई घरेलू हिंसा हो या अन्य समस्या हो तो आपको फाउंडेशन की मदद लेनी चाहिए। मैं और मेरा फाउंडेशन हमेशा ही आपकी मदद के लिए तैयार है। बोलना तो बहुत कुछ है पर आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले महीने फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और परिसर को साफ रखें। शांता, पिछले 2 सालों से हमारे खेतों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस वजह से हमारे दोनों पशु भी मर चुके हैं। लगता है भगवान हमसे बहुत नाराज है। तुम ठीक कह रहे हो, हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं। मुन्ना बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल भी तो भेजना है। और मुन्नी की वर्दी फट गई है। कह रही थी अम्मा स्कूल में सब बच्चे चिढ़ा रहे हैं, नई वर्दी दिला दो। शांता तुम ठीक कह रहे हो, इतनी जी जान से मेहनत करके मैंने खेती बोई, वो भी फसल बर्बाद हो गई। लेनदारों से कर्जा लेकर खेती बोई थी, उनको अभी मुंह दिखाना भी मुझे शर्म आ रही है। अब इस लाचारी का कोई तो उपाय खोजना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो शांता, कल ही मैं मंदिर में पुजारी से मिला था। उन्होंने कहा कुछ दान धर्म करोगे तो तुम्हारी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। दान धर्म? हे भगवान, हमारे पास है ही क्या जो हम दान कर सके। पुजारी जी ने कहा अगर फिर से यही हरी भरी खेती चाहते हो तो 1 गाय मंदिर के नाम से दान करनी होगी आपको, तो ये हमारे दुख दूर हो सकते हैं। ठीक है, अगर भगवान की यही मर्जी है तो तुम हाँ कह दो और कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम कर देना। अगले सोमवार ही हम पूजा कर देंगे। ठीक है शांता, कल ही मैं मंदिर जाके पुजारी से बात करके पूजा का और दान धर्म का बात करके उनसे मंदिर में हम पूजा कर लेते हैं। हमें इतनी शक्ति देना भगवान कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दिला सके। भगवान हमारे सारे दुख दर्द हर लो। भगवान क्या बात है? ये पूछते हुए तुमको शर्म नहीं आती मियां? अरे अनवर भाई क्या बात हुई ये तो बताइए। अरे इतने सारे लोग यहाँ पे लेके आओ, लफड़ा क्या है भाई? इस अप्पा की गाय मेरे खेत में रात भर चरती रही। मैंने बड़ी मेहनत से फसल उगाई थी, उसने सब बर्बाद कर दिया, मेरे को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम लोग अपनी भोली शक्लें दिखाकर भोली बात करते हुए ये पूछते हो कि क्या हुआ, मेरे को एड़ा बनाते हो क्या?
इसे कह दो इसकी गाय ने जो नुकसान किया है ना उसकी भरपाई अनवर भाई को करा के दे दे। अरे अनवर भाई, मेरे पास एक ही गाय थी जो मैंने भगवान को अर्पित कर दी, अब उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। चाहिए तो आप पुजारी से भी पूछ लीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दिया मियाँ? छोड़ना ही था तो जंगल में छोड़ते। अनवर, गाय के साथ क्या करना है क्या नहीं है तुम हमें बताने की जरूरत नहीं। अपने लोग यहाँ से ले जाओ, वरना क्या करोगे बे साले? इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अपने लोग यहाँ से लेके जाओ, वरना अपने पैरों से वापिस नहीं जा पाओगे। बाबा, लगता है ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज के लिए 10,000 रुपए मांग रहा है, मुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। मैडम जी, मेरे पति को बचा लीजिए। एमएलए के घर गया था, उसने कहा पुलिस को झूठी गवाही देंगे तो वो भाई का इलाज मुफ्त करा देगा और साथ में कुछ पैसे भी देगा। उसने पुलिस को क्या बयान देने को कहा? मैडम जी, क्या बताए, वो जो मैंने सुना वो बहुत भयंकर था। उसने पुलिस को यह बताने के लिए कहा कि अप्पा को उन लोगों ने इसलिए मारा क्योंकि वो गौरक्षक था। गौरक्षक? हाँ भाभी जी, वो गौरक्षक था। इस तरह ये इस हादसे को सांप्रदायिक रंग देना चाहता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे भड़काना चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो राम जी, वो आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रंग देकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि मजहब के नाम पर बंटवारे ना हो। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए लोगों में झगड़े करवाते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं, फिर उन मजदूरों की तरफ या किसानों की तरफ मुड़कर देखते तक नहीं। देखिए मैडम जी, हमें इस झगड़े को यही खत्म करना है। आप देख रहे भाभी जी की हालत कैसी हो रही है। ठीक है, आपके आने से पहले अनवर की बीवी का फोन आया था, उसने बताया कि अनवर को थाने ले गए हैं और वो मेरी मदद चाहती है। जो मैं कहूंगी वो सब करने के लिए तैयार है। बस बस मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, अप्पा जी के इलाज का खर्चा फाउंडेशन देख लेगा। शांता भाई तुम्हें काम भी दिला देंगे, उससे तुम अपने बच्चों का पेट पाल सकोगी। तुम्हें अनवर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेनी होगी। उसके बदले में अनवर के खेतों में जो नुकसान हुआ है वो खुद ब खुद देख लेगा। रही बात गाय की, तो वो मैं पंडित जी से कहकर गांव से बाहर भिजवा दूंगी। फिर इस तरह आप सब लोग आपस में बिना झगड़ा किए हुए एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकोगे। ठीक है ना? धन्यवाद मैडम जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम अभी जाते हैं और एफआईआर वापस ले लेते हैं। ठीक है।